हेलो दोस्तों, मैं रंजन कुमार एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो देखिए, ये कार स्टूडियो है तो इसमें डेड प्रॉब्लम है। इस वीडियो में यही जानेंगे इसमें क्या दिक्कत आ गई है और इसको दूर कैसे करेंगे। इसके ऊपर के ढक्कन को मैं ओपन कर लिया हूँ, तो देखिए अब मैं आप लोग को चेक करके दिखाता हूँ। ये बिल्कुल डेड है। अभी देखिए, इसमें सप्लाई दिया हुआ है लेकिन ये ऑन नहीं है, कोई लाइट नहीं जल रही है इसमें। तो इसमें देखेंगे क्या दिक्कत है। सबसे पहले क्या करेंगे कि सप्लाई देखेंगे कि कहाँ तक किसी सप्लाई पहुँच रही है। तो देखिए, मल्टीमीटर को 20 के रेंज में सेट कर लेंगे। देखिए, ये 20 के रेंज में मैंने मल्टीमीटर को सेट कर लिया। 20 के रेंज में इसलिए सेट कर रहे हैं कि इसमें सिर्फ 12 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, तो 20 के रेंज में हम सेट करके और इसको चेक करेंगे। तो देखिए, इसमें देख लेंगे कि कहाँ तक सप्लाई आ रही है। इसकी बॉडी निगेटिव होती है तो एक इस पर लगा लेंगे हीट सिंक पे। उसके बाद देखिए, सबसे पहले इसकी सप्लाई डायोड पे आ रही है तो यहाँ पे चेक कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे सप्लाई इसकी आ रही है। अब इसके बाद क्या करेंगे कि डायोड के इस तरफ देख लेंगे, इस तरफ इसकी सप्लाई आ रही है कि नहीं। देखिए, डायोड की सप्लाई इस तरफ भी आ रही है, तो अब इसका मतलब है कि यहाँ पे ये डायोड सप्लाई आनी चाहिए। देखिए, ये 4440 का बोर्ड है तो जम्पर से सप्लाई आईसी में एंटर होता है, यहाँ भी इसकी सप्लाई आ रही है। तो अब क्या करेंगे कि इसमें स्पीकर लगा के देखेंगे कि इस बोर्ड का ऑडियो आ रहा है कि नहीं, तो इसको चेक कर लेंगे। तो इसमें मैं स्पीकर लगाता हूँ। देखिए, ये ट्यूटर है तो ये ट्यूटर से ही चेक हो जाएगा, तो इसको मैं लगा लेता हूँ। अब देखिए, मैं स्पीकर को लगा लिया। अब इसके ऑडियो को चेक कर लेते हैं। ये जो वॉल्यूम है, मेन वॉल्यूम जो होता है उसके बीच वाले पे ये पेचकस से या चिमटी से सटा के देखेंगे। अगर ऐसी सही होगी तो इसमें ऑडियो की सरसराहट आएगी। देखिए, ऑडियो की सरसराहट आ रही है। ये ऑडियो आने का मतलब है कि हमारा ये एम्पलीफायर बोर्ड में सप्लाई आ रहा है और ये बिल्कुल सही है। कारण ये हो सकता है कि हमारा जो ये एफएम बोर्ड लगा हुआ है इसमें हमारा सप्लाई नहीं मिल पा रहा होगा, इसलिए यहाँ पे कोई लाइट शो नहीं कर रही है। देखिए, इसको चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ बैटरी BAT का मतलब यहाँ बैटरी लिखा, इसका मतलब बैटरी होता है। यानी कि हमारा ये दोनों वायर सप्लाई का है जो इसको 5 वोल्ट सप्लाई देता है। तो इसको चेक कर लेंगे कि यहाँ पे हमें 5 वोल्ट सप्लाई मिल रहा है कि नहीं। तो इस सॉकेट को ओपन करेंगे और इसमें सप्लाई चेक कर लेंगे। तो अब इस सॉकेट को मैं ओपन करके और यहाँ पे चेक करेंगे। तो देखिए, ये सॉकेट मैं निकाल लिया तो यहाँ पे हमें 5 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए, तो इसको भी चेक कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं मिल रही है, यानी कि हमें यहाँ सप्लाई 5 वोल्ट आनी चाहिए जो कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा ये बोर्ड में ही 78.5 लगा हुआ है, तो ये 12 वोल्ट लेके 5 वोल्ट आउट करता है। इस सॉकेट को अगर 5 वोल्ट नहीं मिल रहा है तो इसी का दिक्कत हो सकता है, तो इसको चेक कर लेंगे। तो इसके लिए हमें बोर्ड को खोलना पड़ेगा। तो सबसे पहले अब हमें ये बोर्ड को खोलना है। हम इसके सप्लाई को ऑफ कर देंगे, यानी सप्लाई को हटा देंगे। इसमें सप्लाई नहीं आना चाहिए, नहीं तो कहीं शॉर्ट लग जाए तो हमारा आईसी जल सकती है। तो हम इसके सप्लाई को कट कर देंगे। यहाँ पे देखिए, ये दोनों पेंच खोलना पड़ेगा हमें। तो मैं वीडियो स्किप करके ये दोनों पेंच को खोल लेता हूँ। अब देखिए, इसके बोर्ड को मैं खोल लिया हूँ। ये देखिए, ये जो सॉकेट है यहाँ पे जो ये लगा हुआ है, यहीं से ये कनेक्ट है। देखिए, आपको थोड़ा पास करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखिए, ये जो लगा हुआ है, ड्राई होने के कारण ये सप्लाई हमारे एफएम किट को नहीं दे रहा है, जिसके कारण एफएम किट में कोई सप्लाई नहीं आ रही है और लाइट नहीं जल रही है। तो इसको मैं सोल्डिंग कर देता हूँ, फिर चेक कर लेता हूँ। देखिए, इसको अच्छे से सोल्ड कर देंगे। तीनों पे मार दे रहा हूँ ताकि जो भी ड्राई हो वो ठीक हो जाए। देखिए, अब ये तीनों पे मैं सोल्ड कर दिया। अब इसको ध्यान से चेक कर लीजिए, इस तरह से चिमटी या पेचकस, पतला पेचकस से बीच का साफ कर देंगे कि आपस में ये शॉर्ट ना हो। अब देखिए, मैं इसको अच्छे तरीके से सोल्ड कर दिया। अब इसको मैं सीधा कर लेता हूँ। अब ये जो सॉकेट है, सॉकेट लगाने से पहले एक ध्यान देना रहता है। ये देखिए, ये घाट बना हुआ है, आगे की तरफ कट है, तो इस सॉकेट में भी आपको दिख रहा होगा। देखिए, आगे की तरफ कट है, तो ये कट को इस घाट पे आना चाहिए।
और अगर उल्टा सॉकेट डाल देते हैं तो सप्लाई इसमें एफएम किट में उल्टी सप्लाई चली जाएगी तो ये फूक जाएगा, तो ये सप्लाई उल्टी नहीं जानी चाहिए। तो ये ध्यान रख के इस सॉकेट को लगाएंगे और जिसमें निकालेंगे उसी में लगाएंगे, ऐसा नहीं कि दूसरे कोई सॉकेट में लगा दें, तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें मैं सीधा इसको लगा दे रहा हूँ, देखिए इस सॉकेट को मैं सही से लगा दिया। अब इसको फिर से चेक कर लेते हैं। अब मैं इसमें सप्लाई देता हूँ, देखिए इसमें सप्लाई आ गई। अब इसके मोड को चेंज कर लेंगे, देखिए सही है। अब ये देखिए बिल्कुल ओके हो गया है। इसमें यही दिक्कत थी कि ये 78.5 ड्राई होने के कारण एफएम किट को 5 वोल्ट सप्लाई नहीं दे पा रहा था, जिसके कारण ये लाइट जो है वो ग्लो नहीं कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि इसमें डेड प्रॉब्लम है। तो ऐसा प्रॉब्लम हो तो ऐसे ही ठीक करना है। तो आज का वीडियो यही था। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिनको इलेक्ट्रॉनिक्स में रुचि हो। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल घंटी को जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट जरूर करिए, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, चैनल पर बने रहिए और अपनी दिक्कत को सॉल्व करते रहिए। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।